फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, तो अभी जो है टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं और मैंने नाइट में क्या डिनर प्लान किया मैं आज शेयर करूँगी आप लोगों से। तो अभी पहले मैं कपड़े फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ, ये भी आ गए हैं, तो पहले चाय पीऊँगी, फिर मुझे शाम में पौधों को पानी भी देना रहता है, तो मैं पानी वगैरह दे के उसके बाद देखती हूँ क्या बनाऊँ। ऐसे मैंने प्लान कर लिया है कि क्या बनाऊँगी, जो मैं शेयर भी करने वाली हूँ आप लोगों से। तो देखिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। और मैं फटाफट से, पहले कपड़े बहुत सारे आज धुले थे तो बस मैं उनको जो है सो फोल्ड करके रख लेती हूँ। और बच्चों के आप देख रहे होंगे वहाँ पे कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो चलिए पहले अब मैं चाय वाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने प्लान किया है डिनर का, तो डिनर में ये मूंग की दाल है ग्रीन वाली, जिसकी मैं चटनी बनाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा मैं किस तरह से चटनी बनाती हूँ। और ये भिंडी है जिसमें मैं मसाले वाली भिंडी की बनाऊंगी, मतलब सूखी सब्जी बनेगी और उसमें आलू प्याज का भी रहेगा कुछ। तो देखिएगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो पहले तो मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये ग्रीन वाली जो मूँग आती है ना छिलके वाली, उसको मैंने अच्छे से धो लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें इसको उबालूंगी। हल्का सा नमक डाल देती हूँ मैं, बस और कुछ नहीं डालना, कोई भी मसाला नहीं डालना है, बस नमक डालना है हमने। तो ये देखिए मैंने उसमें सब कुछ डाल दिया। मैं नमक, जैसे कि मैंने बताया कि मैं मसाले कोई नहीं डालने, इसमें मसाले, बस नमक डालना है और थोड़ा सा पानी, 1 कप करीब पानी डालेंगे, ठीक है। और इसे सेट करके कुकर को ढक्कन लगा के इसे हम चढ़ा देंगे, ठीक है। और इसमें हम कम से कम 5 से 6 सीटी लगने देंगे, ठीक है। और इधर मैं भिंडी का दिखाती हूँ। ये देखिए भिंडी को मैंने 1 घंटे पहले धो के इसे काट के अच्छे से थोड़ी देर रख दिया था, ताकि इसमें जो पानी रहे ना, पानी ना रहे बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं आलू छील लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि मैं भिंडी जो है ना मसाले वाली भिंडी बनाऊंगी, तो उसमें मैं आलू भी डालूंगी, प्याज भी। तो किस तरीके से मैं बनाती हूँ वो देखिएगा आप लोग। तो ये मैं फटाफट पहले आलू छील लेती हूँ, ये देखिए। और ये जो सूखी वाली सब्जी है ना, सब्जी क्या ये फ्राई बनती है तो बहुत टेस्टी बनती है। कभी कभार होता है ना कि चलो रोटी या पराठे के साथ मन करता है कि ग्रेवी वाली सब्जी ना खाए, तो वो हम इस तरीके से बना सकते हैं भिंडी की, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए मैं फटाफट से प्याज छील रही हूँ। और ये जो चटनी भी बनेगी ना, बिल्कुल ही सिंपल सी चटनी बनती है, बिना तेल मसाले की, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप देखिएगा ये चटनी बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, यूनिक लगेगी ये चटनी। और जब घर में आप लोग बनाओगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ है ये चटनी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी सिंपल है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सेहत के अनुसार मैंने ये दोनों चीज़ बनाई है, तो देखिएगा आप लोग, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो इधर देखिए मैंने फटाफट जो है इधर लहसुन भी मैंने फूलने के लिए दे दिया। मुझे जब लहसुन छिलना होता है तो मैं उसे पानी में डाल देती हूँ, ताकि उसके छिलके जो है ना सो आराम से निकल जाते हैं। वैसे नहीं तो उसके छिलके थोड़े टाइट होते हैं, इसलिए मैं पानी में डाल के पहले लहसुन को रख देती हूँ। तो ये देखिए मैं जल्दी से लहसुन वहसुन और प्याज वगैरह छील के काट लेती हूँ। ये देखिए मैं आलू काट रही हूँ। आलू को मैं गोल गोल करके पतला पतला सा काट रही हूँ, सिंपल सा एकदम, उसे मैं चौखट में नहीं, गोल गोल सा। मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। और ये जो आप देख रहे होंगे ना कि मैं नाइफ से नहीं काट रही हूँ, मैं ज़्यादातर सब्जी वगैरह इसी से काटती हूँ। ये हमारे इधर इसे हाँसू बोलते हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हो, लेकिन हमारे इधर इसे हाँसू बोलते हैं। और मैं इसी से ज़्यादातर करती हूँ, मेरी हैबिट बन गई है कि मुझे इसी से सही से होता है। मुझे नाइफ से थोड़ी मुश्किल होती है काटने में, मैं इससे फटाफट से काट लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने कितनी जल्दी से काट लिया। और मैंने प्याज वगैरह भी सब कुछ काट लिया। प्याज को भी मैंने छिलके धो के इसे गोल गोल सा काटना है, ठीक है, पतला पतला बिल्कुल नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से काटना है, ठीक है। ये देखिए भिंडी को मैं अब दिखा रही हूँ आपको, इसको ना बीच से ऐसे करके चीरे लगाने हैं, ये देखिए इस तरीके से भिंडी को, ताकि मैं इस बीच में जो सो मसाले डाल सकूँ। जो इसमें मसाले डालूंगी ना मैं, वो इसलिए, तो इस भिंडी को इसी तरीके से हमें बीच से काटना है, इस तरीके से, ये देखिए।
भिंडी का लेंथ जो है मैंने बड़ा बड़ा साइज रखा है, छोटा बिल्कुल नहीं किया है। ये देखिए मैंने सारी भिंडी जो है काट ली फटाफट। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी, हमने इस तरीके से इसमें चीरे लगाने हैं ये देखिए। और इसमें बिल्कुल आप आराम से ऐसे काटोगे बीच से तो हो जाता है। और ये देखिए आलू मैंने बिल्कुल ही चिप्स की तरह पतले पतले काटे हैं, और प्याज भी ठीक है, और लहसुन में। और ये खड़े मसाले सारे हैं जिसको मैं भून के भिंडी में डालूंगी। इसमें और कुछ भी डलेगा इसका मसाला जो बीच में डलेगा, तो ये पहले सूखे जितने भी मसाले हैं खड़े मसाले वो हैं। धनिया है इसमें, तेजपत्ता है, लौंग है, इलायची है, जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो सारे ही हैं। इसको मैंने हल्का सा भून लिया है, इसको मैं इसमें कूट लेती हूँ अच्छे से। और एक महीन सा पाउडर बनाना है, ठीक है, एकदम महीन सा पाउडर बनाना है। ये आमचूर पाउडर है, ये भी थोड़ा सा डालना है खटाई के लिए। ये देखिए मैंने डाल दिया, पहले खड़े मसाले को हमने भून लिए। ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी जो आता है वो डाल दिया है, आमचूर पाउडर डाला है, ये कड़ी पत्ता जो मैं सुखा के रखती हूँ वो डाला है मैंने। अब इसमें जितने भी सूखे मसाले हैं ना वो मैं थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी, ठीक है। ये देखिए ये धनिया पाउडर हो गया, ये थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने डाला है, ये जो सब्जी मसाले आते हैं ना वो है, ठीक है। ये जीरा भुना हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं घर में ही जीरा भून लेती हूँ, तो वही जीरा भुना हुआ है। नमक डाल दिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने, बिल्कुल ही अच्छे से, बिल्कुल पाउडर बनाना है एकदम महीन सा। और ये इससे बन भी जाता है पाउडर, एकदम महीन सा पाउडर बन जाता है। ये देखिए अब इसमें मैंने एक स्पून करीब जो है ऑयल डाला है सरसों का, ठीक है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैं भिंडी के जो है जिसमें मैंने चीरे लगाए हैं उसमें मैं डाल दूंगी। इसे पूरे ये अच्छे तरीके से इसमें चले जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि नहीं भरता, अच्छे से भिंडी में आप ये डाल दो, ये अच्छे से चले जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप डालोगे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमें सारे भिंडी में ऐसे भर लेने हैं, और इसका ज़्यादा ये मसाला भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा लगता भी नहीं है। ये देखिए मैंने थोड़े थोड़े से ही लिए थे इसमें, हमने करीब करीब मुझे लगता है आधे किलो भिंडी मैंने डाला था, और ये आधे किलो भिंडी के लिए इतना मसाला बहुत सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भर लेंगे पूरे अच्छे से। ये देखिए एकदम अच्छे से इसमें डाल देना, और ये बिल्कुल ही निकलेगा नहीं। अगर आप सोच रहे हो ना कि निकल जाता है, बिल्कुल नहीं निकलेगा मसाला, इसमें अच्छे से मसाला चला जाता है, और इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट सा होता है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे हम भर लेंगे। अभी तक मैंने कढ़ाई में जो है सरसों तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, ठीक है, और ये मसाला थोड़ा हमने बचा के रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने ये बाद में भी उसमें डालना है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे बचा के रख लेंगे। ये देखिए भिंडी पूरी जो है मसाले मैंने डाल दिए भिंडी में, और इधर मैंने कढ़ाई में सरसों तेल डाला था और जीरा थोड़ा सा डाला था, और भिंडी को मैं सारे भिंडी को इसमें डाल दूंगी। इस तरीके से हम डाल देंगे, और इसमें से थोड़ा भी मसाला जो भी मैंने भिंडी के अंदर डाला है ना मसाला, वो बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं गिरता। मसाला जैसे ही मैंने डाला है भिंडी के अंदर बिल्कुल ही वैसे ही रहता है। मैं दिखाऊंगी आपको बनने के बाद कि मसाला उसमें से बिल्कुल नहीं निकलता। और भिंडी को हम कम से कम 5 मिनट के लिए इसको जो है सो कढ़ाई में भून लेंगे, ठीक है। इसे ज़्यादा हाई फ्लेम या लो फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे हम इसे, और हल्का सा इसको पहले हम पका लेंगे, ठीक है। तो भिंडी को हमने इसी तरीके से पकाना है। ये देखिए 5 मिनट बाद ऐसा हो गया, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन जो मैंने छिले थे उसको मैंने कूट के डाल दिया है, ये आलू डाल दिया मैंने बिल्कुल ही पतला पतला सा चिप्स की तरह काटा था। हाँ, और एक बात कि मैं इसमें अदरक नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे पास अदरक था नहीं, तो आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। और ये देखिए प्याज भी मैं डाल रही हूँ, प्याज को भी मैंने बिल्कुल ही पतला पतला सा काटा था, और गोल गोल जैसे हम सलाद में काटते हैं ना, सेम वैसा ही हमने काटना है, ठीक है। और मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, नमक जैसा कि मैंने भिंडी के अंदर भी डाला था मसाले में, इसलिए नमक थोड़ा हम ये सोच के देंगे कि कितना ज़्यादा हमें डालना है, ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। और इसमें थोड़ा गर्म मसाला डालना है, ठीक है। अब मैं इसे ढक दूँगी। आइए अब देखते हैं कि मेरी चटनी भी रेडी हो गई है। ये देखिए, ये देखिए मेरी जो चटनी है इसे कुकर में मैंने उबाल लिया, तो अच्छे से ये गल गया। मैंने 5 से 6 सीटी डाले, ज़्यादा नहीं लगाए, तो ये बिल्कुल ही गल गया। इसको मैंने कटोरे में निकाल लिया, और उसमें मैंने कच्चा प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली है, और धनिया पत्ता।
आप चाहें इसमें तो प्याज चॉप करके भी डाल सकते हो, बाकी नाइफ से भी पतला पतला काट के डाल सकते हो, जैसी मर्जी वैसे डाल सकते हो। तो मैंने इसे चॉपिंग करके डाला था और इसमें मैंने 2 स्पून करीब सरसों का तेल डाला था और इसमें कुछ नहीं डालना है, ठीक है। एक बस नींबू डालना है लास्ट में हमने, और बाकी इसमें कोई भी सूखा मसाला कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था उबालने वक्त। तो ये देखिए फटाफट से मेरी चटनी भी रेडी हो गई है। अब ये देखिए, और ये चटनी मतलब फटाफट रेडी होने वाली चीज़ है। ये देखिए मैंने नींबू डाल दिया और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट से बन जाता है। तो चटनी हो गई मेरी रेडी। अब ये देखिए भिंडी, भिंडी भी मेरी रेडी हो गई है। ये देखिए आलू भी अच्छे से भुन गया है। और मैं जैसे मैंने बताया था ना कि भिंडी के अंदर से मसाला बिल्कुल नहीं निकला है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं निकला है मसाला, एकदम से अंदर ही है। तो मेरी चटनी और भिंडी की जो है सब्जी सूखी वाली रेडी हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी मन वैसे खाओ, बहुत टेस्टी है। इसमें लास्ट में मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है और ये सेहत के लिए भी चटनी बहुत हेल्दी है। और जैसे ये मसाला है इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया है, बस ये रेडी हो गई है। अब जगदीश्वर हरे स्वामी जय, जगदीश्वर हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों। आप लोग सोच रहे होंगे सब्जी दिखाते दिखाते मैं के ये क्या दिखाने लगे। तो एक्चुअली शाम का समय हो गया था दिया दिखाने का, और मेरे यहाँ जब दिया दिखाते हैं ना तो शाम में हम लोग आरती करते हैं। तो मैं बस किचन में थी और बच्चों को मैं आवाज़ लगा रही थी कि आप लोग आरती स्टार्ट कर लो, तो बच्चे आरती कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ क्या है ना, जब हम लोग छोटे थे ना तो बचपन से ही हमारे यहाँ ऐसे ही शाम को हम चारों भाई बहन मिलके, मम्मी पापा मिलके शाम को दिया के साथ, दिया जब दिखाया जाता है उस समय आरती करते थे। तो बस वही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि थोड़ा और अच्छा भी लगता है। तो इसी के लिए बस बच्चे आरती कर रहे थे और मेरा जो है डिनर जो मैंने प्लान किया था, चटनी मूंग की और भिंडी की सूखी वाली सब्जी, वो मैंने बना दी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी से फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।